आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने ये कैसे चेक करना है कि मोबाइल पीटीए वालों की तरफ से वेरीफाई है कि नहीं है। मोस्टली अक्सर उन लोगों के साथ धोखा होता है जो सेकंड हैंड मोबाइल किसी से लेते हैं। इसमें दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक मोबाइल है वो पीटीए वालों की तरफ से वेरीफाई नहीं है, किसी बंदे ने बाहर कंट्री से लेके आया है पाकिस्तान, और अब अगर वो वेरीफाई करना चाहते हैं तो उस पर ज़्यादा टैक्स आता है, तो ज़्यादा पैसे न देने की वजह से वो बंदा वो मोबाइल किसी शॉप में सेल कर देते हैं। फिर ऐसा होता है कि उस मोबाइल में लोग फेक IME डाल देते हैं, तो उससे ये होता है कि मोबाइल आरजी तौर पर चलता है लेकिन बाद में वो ब्लॉक हो जाता है। तो आज जो ट्रैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसके ज़रिए आप ये पता लगा सकते हैं कि जो मोबाइल आप किसी भी बंदे से ले रहे हैं आया उस मोबाइल में जो IME है वो उसका ओरिजिनल है या किसी ने पैक उसमें डाला हुआ है, तो उसको आपने किस तरह की चेक करना है ताकि आपका मोबाइल बाद में ब्लॉक ना हो। तो इसको चेक करने के लिए आपने गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप इसको इंस्टॉल करना है जिसका नाम है डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम। जैसे आप इस ऐप्स को इंस्टॉल करें तो इसके बाद आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपने उस मोबाइल से IME नंबर लेकर यहाँ पर पेस करके ओके करना है, आपने यानी वेरीफाई पर आपने क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको इस IME जो नंबर है इसका, ये जिस मोबाइल का है ना उसका पूरा मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर जिस मोबाइल का ये IME आपने यहाँ पर डाला हुआ है अगर उसका मॉडल उसका वर्जन सब कुछ सेम है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिनल मोबाइल है और इसका IME किसी ने फेक इसमें नहीं डाला हुआ है। अगर IME का जो इसका जो मॉडल है मोबाइल का वो अगर अलग है और यहाँ पर आपको अलग शो हो रहा है, यानी इसमें अगर डिफरेंस है, जैसे कि आपके पास मोबाइल है उससे आपने IME लेकर यहाँ पर पेश किया, उस मोबाइल का जो भी मॉडल है जो भी वर्जन है अगर वो यहाँ पर आपको सेम टू सेम शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसका IME ओरिजिनल है। अगर इसमें कोई डिफरेंस है, यहाँ पर आपको कोई मॉडल और शो हो रहा है उस मोबाइल का, तो इसका मतलब है कि इस मोबाइल में फेक IME किसी ने डाला हुआ है और ये मोबाइल कुछ अरसे के बाद ब्लॉक हो सकता है। तो आपने इस तरह के मोबाइल से बचना है। और इसके साथ आखिर में आपको मैं ये बताऊंगा कि IME नंबर आपने किस तरह के निकालना है। इसके लिए आपने अपने मोबाइल से डायल करना है *#06#, तो आपके सामने IME नंबर शो हो जाएगा। तो वो IME नंबर आपने इसी ऐप्स में पेश करके चेक करना है। तो ये वीडियो आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल टेक्निकल जानबाज को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।